तो साथियों बारिश बहुत तेज हो रही है अभी नैनीताल में मैं हूँ एक्चुअली, और इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि कुछ कह नहीं सकते। तो मैं इस समय नैनीताल के नैनी रिट्रीट होटल में हूँ, और एक्चुअली ये मर्सिडीज है गेस्ट की, तो इनका ड्राइवर जो है अभी यहाँ पर है नहीं एक्चुअली, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये गाड़ी गार्ड साहब ने बोला कि गाड़ी थोड़ा सा पार्क करनी है, तो मैं इसलिए गाड़ी पार्क करने के लिए मैंने कहा कोई बात नहीं मैं कर लेता हूँ। तो मर्सिडीज है गाइस, थोड़ा सा इसके फीचर दिखाते हैं कैसे टाइप के फीचर हैं। तो हमने ये गाड़ी पार्क करने के लिए हमने ये गाड़ी लेके आए, हम बाहर रोड पर खड़ी थी, इसको यहाँ पार्क करनी थी अंदर, क्योंकि अभी अभी इनकी पार्किंग खाली हुई है, एक्चुअली इनकी पार्किंग खाली रहती नहीं है। तो अभी दिखाते हैं इसके थोड़ा सा फीचर। तो दगड़ियों आज चलूनी मैं मर्सिडीज, और तुम दिखाना चाहिए मर्सिडीज से दगड़ियों, और मौज उड़ो आ रही चलो मतलब गाड़ी है अब आप मोशी हो तो उसकी बात नहीं भे कुणी मेरे बात नहीं भे बढ़िया गाड़ी से शानदार दिखाना था तुम मौज उड़ो खाली का चलो यार। तो गाइस इसको चलाने में बहुत मज़ा आ रहा भाई, और उसके गियर के भी फीचर दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये ड्राइव मोड में लगा दी गाड़ी, एक्चुअली ना इसके फीचर जो होते हैं नॉर्मली गाड़ी में लाइट ऑन करते हैं उसमें से गियर लगते हैं, देखो ये रिवर्स हो गया, ये रिवर्स गियर लग गया। मर्सिडीज बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है भाई, मज़ा आता है इसको चलाने में। गाड़ी फाइनली हो गई यहाँ पर पार्क, आप सभी देख रहे हैं इधर भी गाड़ी लग गई और इधर भी गाड़ी लग गई, दोनों साइड गाड़ी पार्क हो गई। अब इसको पार्किंग में डालना है तो फिर से नॉर्मल मोड में लाना पड़ेगा, नॉर्मल मोड से फिर पी में दबाने के लिए पी में दबाना पड़ेगा। ये गाड़ी लॉक हो गई यहीं पर ही, पी में गाड़ी पार्किंग में लॉक हो जाती है। तो ये इसके फीचर है भाई, ये देख रहे हो ना, ये RNDP रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और पार्किंग, तो पार्किंग में गाड़ी बिल्कुल खड़ी हो जाती है। तो ये देखो ये काफ़ी सारे फीचर हैं इसमें भाई, सीट आगे पीछे करने का, और सनरूफ वाली गाड़ी है, बड़ी मस्त सीटिंग देखो इसकी कितनी कंफर्टेबल है। चलते हैं भाई, बहुत चला ली गाड़ी। तो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, और भाई मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। सो गाइस आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम नैनीताल से, और आज नैनीताल में मेरा फोर्थ डे है, चौथा दिन है नैनीताल में। तो यार भाई क्या बताऊँ, मतलब ना इतना भयंकर बारिश हो गया है, कल रात से लगातार बारिश हो रहा है भाई, कंटिन्यू रात से बारिश है, और इतनी भयंकर बारिश हो रही कि कुछ भी नहीं कह सकते इस बारिश की वजह से। तो एक्चुअली भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो गई यहाँ पर, और इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि कुछ भी नहीं कह सकते। एक्चुअली मेरा रूम जो है गाइस वो थोड़ा सा नीचे है, नैनी रिट्रीट होटल का जो अकोमोडेशन रूम है वो यहाँ से लगभग 200 मीटर पैदल वॉक करके जाना पड़ता है, और वहाँ पर गाड़ी रखने की दिक्कत नहीं है। और एक्चुअली इनकी पार्किंग जो है यहाँ पर है जहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी करी है। तो एक्चुअली मैं गाड़ी सुबह आया हुआ था 8 बजे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि पर डे गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है चाहे गाड़ी चले या ना चले। तो गाड़ी के पास आए तो गाड़ी की साफ़ सफाई वगैरह करी हल्की सी, लेकिन कल रात से इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि कुछ भी नहीं कह सकते भाई। तो इस बारिश को देखते हुए हम लोग फिर यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर देखा कि जैसे ही हम गाड़ी के अंदर एंटर करें, गाड़ी स्टार्ट करें, उसके बाद से भाई क्या ही बताएं, इतनी भयानक बारिश आ गई। आप बारिश की आवाज़ अभी भी सुन रहे होंगे, तड़ 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 तड़, ये शीशों में आप देख रहे हैं पूरा बारिश बह रही है, पूरा बाहर बारिश हो रही है इतनी तेज में, अभी आपको दिखाऊंगा। तो उसके बाद एक्चुअली मेरा फ़ोन में चार्ज भी कम था, तो गाड़ी स्टार्ट करी उसके बाद मेरा फ़ोन का चार्ज भी ये है देखो, तो फ़ोन भी इसी से चार्ज हो रहा है गाड़ी से ही, और बड़ा प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद इतनी भयंकर बारिश हो गई तो हम कहीं भी नहीं जा पा रहे। उसके बाद हमारे गेस्ट का फ़ोन आया, एक्चुअली फॉरनर गेस्ट हैं तो फ़ोन भी नहीं किया, उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि हम लोग आज टुडे इन द रेस्ट, हम आज नहीं जाएंगे, आज हम मतलब रेस्ट करेंगे करके इन द होटल। तो मैंने बोला ठीक है मैम, ओके डन, नो प्रॉब्लम। सो उसके बाद से मैं अभी गाड़ी में गाइस गाड़ी में आराम कर रहा हूँ, तो काफ़ी देर हो गई मेरे को, लगभग 3-4 घंटे हो गए। तो अभी 1 घंटे पहले मैं गाड़ी लेके गया था, तो 11:30 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया गाइस,
तो गाड़ी लेके भी वहां पर गया मैं, जहां पर गाड़ी लगाने की थोड़ी सी जगह थी, तो वहां पर थोड़ा सा आगे यहां से, तो वहां मैंने ब्रेकफास्ट में पराठे और छोले और चाय पी। तो उसके बाद मैं फिर से गाड़ी पर आ गया हूँ, और गाड़ी से बाहर निकलने का मतलब हो ही नहीं रहा, इतनी दिक्कत हो रही कि गाड़ी से बाहर भी नहीं निकल सकते। तो भाई गाड़ी के अंदर ही मैंने अपना सारा सेटअप गाड़ी के अंदर ही लगा दिया है। तो आज मैं गाइस गाड़ी में सोने वाला हूँ, जब तक बारिश नहीं रुकेगी मैं गाड़ी में रहूँगा। तो यार देखो 365 दिन का मेरा चैलेंज है कि 365 दिन मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालूंगा। तो यार डालना है तो डालना है भाई, आज मैं कहीं गया नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा ब्लॉग नहीं आएगा, तो मैं वही लगा हुआ हूँ। तो आज का ब्लॉग जो मेरा रहेगा पूरा 24 आवर इन द व्हीकल, क्योंकि आज पूरा दिन मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। मुझे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का पता है, बट और अदर डिस्ट्रिक्ट में भी शायद बारिश आज है, क्योंकि बहुत सी जगह से कॉलें आ रही हैं कि यहाँ पर भी बारिश लगातार चली हुई है। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में तो है ही बारिश, क्योंकि एक्चुअली स्कूलों में भी कॉलेजों में भी छुट्टियाँ हैं, आज साथ सारे स्कूल बंद करे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बाहर कुछ भी नहीं कर पा रहे भाई इतनी बारिश में। तो मस्त करके अपना यार फ़ोन में लगे हुए हैं, और फ़ोन से यूट्यूब इंस्टा फेसबुक और ये सब, कुछ पुराने दोस्तों को अपना फ़ोन कॉल वगैरह, बस यही टाइम पास हो रहा है। बट मुझे 24 घंटे लगातार कंटिन्यू गाड़ी के अंदर ही रहना है। सो गाड़ी के अंदर रहना है, मेरे पास छोटी छोटी पानी की बोतलें हैं दो, और इन्हीं दो पानी के बोतल से मैंने आज का दिन काटना है। मैं सोच रहा हूँ इसके बाद में, अब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे खाना खाना पड़ेगा फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं गाइस खाना भी नहीं खाऊंगा अब मैं, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट बहुत हैवी कर लिया, तो अब मैं खाना वाना कुछ नहीं खाऊंगा। तो अब बढ़िया करके, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, गाड़ी में चार्जर है, कोई दिक्कत आएगी तो फ़ोन चार्ज कर लेंगे यहीं पर से। और बाकी मेरे पे अभी कुछ खाने के लिए फूड बास्केट है थोड़ा बहुत, तो अगर मुझे भूख लगेगी तो नॉर्मल सा मैंने फूड बास्केट रखा हुआ है अपने पास। मेरे पास लेस की दो पैकेटें हैं, और मेरे पास ये, इसमें हमने काफ़ी सारे टॉफीज रखी हुई हैं, आप भी देख रहे हैं ये, तो मेरे पास टॉफीज हैं, तो मैं टॉफीज भी खा सकता हूँ। बट काफ़ी है ना, मैंने ब्रेकफास्ट किया है तो मुझे ज़्यादा भूख लगेगी नहीं एक्चुअली। बट आज मेरा चैलेंज है 24 घंटे मैंने आज गाड़ी में रहना है, तो आज 24 आवर गाड़ी का ही ब्लॉग रहेगा। यार अभी मेरे को इतनी भूख नहीं लग रही, बट ये टॉफी मिल गई तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टॉफी खा ली जाए। तो सही है, तो ऐसे मैंने यहाँ पर और खास चीज दिखाता हूँ गाइस, मैंने हमारी गाड़ी इतनी लॉन्ग है कि हमको कहीं पर भी बहुत ज्यादा परेशानी भी होती है ना, तो हम गाड़ी में सो जाते हैं, और अच्छे अच्छे होटल तो हमने छोड़ दिए, क्योंकि जहाँ होटल में कभी बहुत सी जगह कहीं से होम स्टे होते हैं या कुछ होता है कि वहाँ यार 1 किलोमीटर चलना है 1.5 किलोमीटर चलना है, होता है रहने का खाने का, बट हम सोचते हैं छोड़ो यार क्या जाना, फिर वहाँ जाओ फिर वहीं कमरे में पड़े रहो, इससे बढ़िया हम क्या करते हैं गाड़ी में सो जाते हैं। तो मैंने गाड़ी में रखा हुआ है एक स्लीपिंग बैग जो हमारे ओनर साहब लेके आए हैं लेह लद्दाख से, और वो इतना गर्म है भाई, एक बार सो जाओ तो सुबह सीधे सूरज आए हुए दिखता है, मतलब इतना गर्म है, इतना हैवी है, बहुत मज़ा आता है उसमें सोने में। तो ये है वो स्लीपिंग बैग जो आप देख रहे हैं, और मेरा बिस्तर देखो भाई इतना लंबा बनाया है, ये देखो भाई पूरा आराम से सो सकता आदमी। हाय, तो आज मैं पूरा टाइम गाड़ी में ही सोने वाला हूँ भाइयों, और ये गाड़ी ही हमारा घर है आज के लिए, नहीं ये हमेशा हमारा घर बने रहेगा, क्योंकि बहुत मस्त नींद मेरे को इसमें आता है। थैंक यू। तो गाड़ी में देखो कितनी बढ़िया नींद आती है, मैं 1 मिनट आपको सो के दिखाता हूँ जल्दी से। ये देखो, हाय गाइस, और मेरे पास कुशन भी है, तो मेरे पास कुशन भी है, आराम से सिर में रख के भी हम सो सकते हैं, और मेरा गद्दा देखो, मेरा स्लीपिंग बैग कितना मस्त है। तो भाई बहुत बढ़िया नींद आ रही है, और पहाड़ों में
पहाड़ों में गाइस बारिश की आवाज से गुनगुनाते हुए और बढ़िया करके गाने हल्की आवाज में चलाकर सोने में क्या अलग एक्सपीरियंस आता है, बहुत मजा आता है भाई। तो हमारे पास गाड़ी है, हम कभी भी कहीं पर भी जाकर आराम से गाड़ी लगाकर सो सकते हैं। आपने देख लिया हम कैसे सो रहे हैं। तो हमारे सामने हमारा 5-स्टार होटल भी फेल है क्योंकि शीशों से इतना बढ़िया व्यू दिखता है बाहर, और हल्के हल्के शीशे खोलो तो ठंडी से ठंडी हवा भी बाहर अंदर आती है, और बाहर पहाड़ों में तो इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा मौसम है भाई, बहुत ज़बरदस्त नींद आती है। आप कभी सोए हो या नहीं सोए हो गाड़ी में ज़रूर बताना कमेंट करके, लेकिन सोने में बहुत मज़ा आता है भाई गाड़ी में। तो यार भाई मैंने 24 घंटे काटने हैं कैसी भी, तो 24 घंटे तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना भाई मेरे भाई। तो 24 घंटे हमने काटने हैं, तो 24 घंटे में हम क्या करेंगे। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो भाई ऐसे ही कुछ करते हुए हम अपना टाइम पास करेंगे आज का 24 आवर, क्योंकि बारिश इतनी बढ़िया हो रही है, बहुत मस्त है। क्योंकि मैं भाई आज पता है कल रात में 12 बजे सोया रात के, और सुबह में 9:30 बजे उठा हूँ। हाय तो यार अभी मुझे नींद भी नहीं आ रही है। तो 24 घंटे कुछ ना कुछ करना है, तो अभी वीडियो कट करेंगे, थोड़ी देर लूडो खेलेंगे हम, थोड़ी देर कुछ और चीज़ टाइम पास करेंगे फेसबुक में यूट्यूब में। तो ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो ऐसे ही हमने 24 घंटे काटने हैं गाइस। तो चलते हैं कैसे कटते हैं हमारे 24 घंटे, और आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा बाहर का व्यू। तो ये देखिए गाइस मेरा बिस्तर देखो कितना मस्त लगा है ना, बड़ा मस्त। और उसके बाद भी पता है गाड़ी में काफ़ी स्पेस बचता है, पीछे को पूरी 2 सीटें खाली रहती हैं, और उसके बाद भी पीछे जो है डिग्गी का स्पेस भी बचता है, मतलब 2 आदमी तो आराम से कंफर्टेबल होकर सो सकते हैं भाई इसमें। तो टोयोटा वाले सर, हमारे टोयोटा के जितने भी वर्कर हैं, टोयोटा के जो MD सर हैं हमारे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम अदा करते हैं इस ड्राइवर के तहे दिल से। धन्यवाद टोयोटा कंपनी को कि इतना अच्छा व्हीकल इन्होंने बनाया, टोयोटा के बराबर मुझे गाड़ी कोई लगी नहीं। सस्ते में नहीं कहेंगे, महंगे में भी नहीं कहेंगे, मिनिमम बजट इसका रखा हुआ है, और ठीक है जिस बजट का गाड़ी का रेट है उस बजट की गाड़ी है, वाकई में उतनी की गाड़ी है जिस हिसाब से बजट रखा है, कोई गलत रेट किसी से नहीं मांगे हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि व्हीकल का जो सभी कुछ है ना बहुत अच्छा है भाई। तो मुझे इस व्हीकल में इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है टोयोटा कंपनी का, मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने ड्राइवर के बारे में बहुत कुछ सोचा कि ड्राइवर कहाँ से कहाँ जाते हैं तो अपना बढ़िया करके गाड़ी में सो भी सकते हैं, और अपना खाना पीना जो भी करना है गाड़ी में, मतलब इतना कंफर्टेबल है, आराम से खा पी के आप आराम से सो सकते हैं गाड़ी में। सेकेंड चीज, सीटें काफ़ी कम्फर्टेबल दी हैं गाड़ी की, बहुत सीट कम्फर्टेबल है। आप इसमें ना मतलब आप 24 घंटे भी गाड़ी लगातार चलाते हैं भाई, उसके बाद भी आप क्या खड़ा हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल भी आपको थकान महसूस नहीं होगी, इतनी बढ़िया कंफर्टेबल ये गाड़ी ने, गाड़ी में इतना पावर अच्छा है, इतना टोयोटा ने इतनी बढ़िया गाड़ी बनाई है कि आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी। थर्ड चीज, गाड़ी पहाड़ों में ऐसे चढ़ती है भाई, हल्का सा क्लच छोड़ दो गाड़ी खुद ब खुद पहाड़ों में चढ़ती है, एक्सेलेटर देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतनी बढ़िया गाड़ी में पावर दी है। तो गाड़ी की पावर, गाड़ी की कंफर्टेबल, गाड़ी का लुक भाई गॉर्जियस, वंडरफुल लुक, इससे बेस्ट लुक मुझे नहीं लगा। लंबाई चौड़ाई गाड़ी की, टायर बहुत मस्त गाड़ी का भाई, पूरा गाड़ी का, मुझे गाड़ी में मुझे भाई कोई कंप्लेन ही नहीं है, मैं इस गाड़ी के लिए कोई कंप्लेन खड़ी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये गाड़ी मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है, मेरे लिए नहीं हर किसी के लिए गाड़ी सूटेबल है।
बजट वाली गाड़ी अगर किसी को चाहिए तो इनोवा क्रिस्टा के बराबर गाड़ी भाई नहीं मिलेगी। टैक्सी में तो चली रही है, लोग प्राइवेट भी इसको काफ़ी ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो कि ये गाड़ी वाकई में बहुत कंफर्टेबल है। और मेरे सामने ही प्राइवेट निकल भी रही है, मैं आपको दिखाता हूँ सामने भाई। 24 घंटे का चैलेंज तो पूरा हुआ आज सुबह, लेकिन मुझे लग रहा है 48 घंटे ही गाड़ी के अंदर रहना पड़ता है क्योंकि लगातार परसों रात से इतनी भयंकर बारिश हो रही भाई, गाड़ी के अंदर ही है गाड़ी से बाहर निकलने में। अब मुझे लग रहा है 24 घंटे का चैलेंज कहीं 48 घंटे का ना हो जाए। तो यार भाई ये वीडियो का यहीं तक का था, तो ये वीडियो करते हैं यहीं पर ही एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़े रहे, आप वीडियो को देखते रहे, क्योंकि ना बारिश ही नहीं रुक रही यार। मैंने सोचा 24 घंटे का चैलेंज होगा, लेकिन मुझे लग रहा है 48 घंटे का हो रहा है चैलेंज। अब हो तो 48 घंटे का ही रहा, लेकिन ये अब 24 घंटे का डालना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ तक का इतनी लंबी वीडियो बनाएंगे भाई, क्योंकि गाड़ी के अंदर ही है, कंटिन्यू गाड़ी के अंदर है भाई दो दिन से गाड़ी खड़ी है, एक इंच भी गाड़ी हिली नहीं है यहाँ पर से, एक इंच भी नहीं। तो यहीं पर ही है, यही जगह है, यहीं पर ही है दो दिन से लगभग, इसी जगह पर ऐसे ही बैठे हुए हैं बस तो ये चैलेंज और फिर 48 घंटे का जा रहा है, क्योंकि अभी भी दिन का 3 बज गया है, 3:30 हो गया है, तो कल से वीडियो बननी है लगातार दिन के 3:30 बजे तक का भाई। ये 48 घंटे का चैलेंज हो गया भाई, अब क्या करें। तो यार गाइस वीडियो मस्त लगे तो वीडियो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब करें, 1000 होने वाले हैं भाई, 3 या 4 बचे हैं, जिन्होंने नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें यार, कंप्लीट 1000 हो जाएंगे तो बहुत खुशी होगी, आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो ठीक है। तो ये वीडियो करते हैं यहीं पर ही भाई एंड, और मिलते हैं ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एक्चुअली मेरा प्लान अभी नंदा देवी टेम्पल जाने का हो रहा था, बट यार वहाँ सारा तहस महस हो गया है, क्योंकि नंदा देवी टेम्पल का जो बड़ा हुआ गेट बनाया था ना भाई, वो टूट गया है, पूरा गेट टूट गया, और काफ़ी सारे 10-12 पेड़ यहाँ पर नैनीरेटेड की तरफ को, नैनीताल की तरफ को गिर गए हैं। अभी कल रात से बारिश इतनी भयंकर आ रही है, इतनी भयंकर आ रही है कि 10-12 पेड़ गिर गए हैं, ये नैनीरेटेड से हाईकोर्ट तक का 10-12 पेड़ गिरे हैं भाई, क्योंकि अभी मैं वहाँ गया था तो अंकल ने मुझे बताया कि वहाँ पर सारे पेड़ गिर गए हैं करके। तो यार भाई कुछ नहीं कर सकते, तो जाना था वहाँ पर नंदा देवी का फेस्टिवल में, क्योंकि मुझे कुछ सामान भी लेना था, बट नहीं जा पा रहे हैं, बारिश इतनी तेज है कि बारिश रुक ही नहीं रही। आप देखो बाहर बिल्कुल इतना धुंध जमा हुआ है, ये बिल्कुल भी बारिश नहीं रुक रही है, इसलिए फिर से ये ब्लॉग जो है 48 घंटे का ही जा रहा है। और तो वीडियो को यहीं पर ही करते हैं एंड, और मिलते हैं ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अभी तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों ऐसी, और मिलते हैं और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी तक के लिए